दोस्तों, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं या स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कितने जीबी रैम लगी हुई है और कितने जीबी हार्ड डिस्क है, कितने जीबी एसएसडी है, आपके पीसी का नाम क्या है और आपके पीसी में कौन सा विंडोज़ लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप कीबोर्ड पर ध्यान से देखिए, आपको विंडोज़ की दबाना है प्लस साथ में पॉज ब्रेक। आप देख पा रहे हैं, जैसे आपने विंडोज प्लस पॉज ब्रेक दबाया तो आपके सामने विंडो की प्रॉपर्टी खुल गई, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खुल गई, ठीक है। अब यही चीज़ में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि इस पीसी का नाम क्या है, इस लैपटॉप का नाम क्या है, मेगा कंप्यूटर्स। इस पीसी में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल का कोर i3 सेकंड जनरेशन, इसका ये गीगाहर्ट्ज़ है, फ्रिक्वेंसी है। इसमें रैम कितनी लगी है, 4 GB। इसमें विंडोज़ के बारे में जानकारी दी है कि इसमें विंडोज़ कौन सा है, लेटेस्ट है, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल 21H1, इसका मतलब है कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। उसकी डेट और उसका बिल्ड इतना आप ध्यान मत दीजिए, बस देखिए कि इसमें विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है और ये वर्जन है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। लेकिन आपने नोटिस किया कि यहाँ हार्ड डिस्क की जानकारी कहीं देखने नहीं मिली, ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके पहले ये जो आपने प्रॉपर्टी देखी, अगर आपको विंडो पॉज ब्रेक से ओपन करके नहीं आ रहा है तो सिंपल सा एक शॉर्टकट है, इसे बंद करता हूँ। जिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तब भी आपका सेम ऑप्शन ओपन होगा, देखा आपने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, जहाँ से आप कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा विंडोज आर, विंडो की के साथ आर दबाएंगे, आपके सामने रन कमांड आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है MSINFO32, MS Info, माइक्रोसॉफ्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो ओके करेंगे। जैसे आपने ओके किया, आपके सामने पीसी की अब डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई है बायोस के साथ, ठीक है। जितना आपको इसमें से काम की इन्फॉर्मेशन लगती है आप वो देख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे है तो आपको पता हो सकता है शायद कि लीगसी क्या होता है, बायोस मोड क्या होता है, तो इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही देखते हैं कि आप कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन को इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हार्ड डिस्क की स्पेस। हार्ड डिस्क की स्पेस आपको देखने के लिए धिस पीसी को डबल क्लिक करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे यह आपके पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है और एक ई ड्राइव है। इनकी स्पेस को आप टोटल यहाँ से काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पता लगा नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली ये है कितने जीबी की, तो उसके लिए और एक तरीका है इसको पता करने का। इसको बंद करिए, इस पीसी पे राइट क्लिक करिए, मैनेज में जाइए। जैसे ही आपने मैनेज पे क्लिक किया, एक एक्सप्लोरर खुलेगा जो हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। आपको क्लिक कर देना है डिस्क मैनेजमेंट पर। आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 223.57 GB, इसका मतलब है कि मैंने इस पीसी में 240 GB की SSD लगाई है, ठीक है। ये डेटा जो है ये SSD में है, SSD काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए स्टोरेज के लिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें इस पीसी में भी लगा हुआ है 240 GB की SSD और 465, मतलब नियर अबाउट ये हो जाती है 500 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। मतलब इस लैपटॉप में मैंने लगाया है 240 GB की SSD प्लस 500 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। पता लगा पा रहे हैं आप, कैसे पता लगाएंगे? अगर कोई इशू है तो वीडियो को फिर से आराम से देखिए, सारे स्टेप्स याद रखिए और नॉलेज गेन करते रहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो में भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ों को देखा, कैसे देखना पड़ता है, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। मैं इसीलिए स्मॉल वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से धीरे धीरे सीखें, ठीक है दोस्तों। चलिए तो वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए, अब भी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्त, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।